तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस, आप सभी को बताएं कि साइबरपंक रिलीज हो चुका है अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को एक एरर फेस हो रहा है, या तो साइबरपंक उनके पीसी या लैपटॉप पे बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है, या तो साइबरपंक उनके पीसी या लैपटॉप पे चल नहीं पा रहा है। उनके पास मिड रेंज वाला पीसी है, मतलब एक बजट पीसी है, तो उस पर आप साइबरपंक आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ कि देखो यार, सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए आपके पास। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 6GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 2GB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करो तो या तो आपके पास राइजन 3 होना चाहिए, या तो आपके पास इंटेल का i3 का प्रोसेसर होना चाहिए। और स्टोरेज की बात करो तो मिनिमम 67GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप में। दूसरी बात, आपका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। अगर आप ये सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो तो आप साइबरपंक खेलने के लिए रेडी हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि या मैं 2GB रैम में प्ले करने वाला हूँ, 4GB रैम पे प्ले करने वाला हूँ। हाँ, 4GB रैम के लिए वीडियो जल्दी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन काम कर रहे कॉन्फिग पे, बट वो अभी इनकम्प्लीट है। जो अभी तक गेम चला नहीं है 4GB पे, बहुत लैग कर रहा है, तो अपन उस कॉन्फिग फाइल को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जल्दी ही हम उस वीडियो को आपके पास ले आएंगे। गाइस, अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई नीचे लिंक है, जाके फटाफट से फॉलो एंड ज्वाइन हो जाओ। तो जितने भी नेसेसरी लिंक्स है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास साइबरपंक FPS बूस्टर पैक होना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इससे पहले आप FPS बूस्टर इंस्टॉल करें, आपके पास साइबरपंक का जो गेम है वो होना चाहिए। चाहे आपके पास ऑनलाइन गेम हो, चाहे आपने ऑफलाइन वाला डाउनलोड किया हो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, अगर आप पे साइबरपंक लैग कर रहा है तो इस वीडियो के आपको देखने के बाद आपका जो गेम है वो लैग फिक्स हो जाएगा, और आप पे अगर कोई भी एरर आ रहा है तो वो भी एरर फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम FPS बूस्टर को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप FPS बूस्टर को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगा, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। किसी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 7-Zip वेबिनार से, तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो सिंपली आपको एक फाइल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक फाइल मिल जाएगा साइबरपंक FPS पैक करके। सिंपली आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगे, तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ एकदम ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपने ड्राइवर्स को अप टू डेट कर लें। यहाँ पर मैं NVIDIA, AMD और इंटेल ड्राइवर सबका लिंक दे रहा हूँ, तो अगर अप टू डेट नहीं है तो प्लीज़ आप अपडेट कर लें। एंड यहाँ पर मैं एक मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपका साइबरपंक 2GB रैम में चलेगा, 3GB रैम में चलेगा, 4GB रैम पे चलेगा। देखो गाइस, फेक की वीडियो पे मत जाओ। साइबरपंक बहुत ही अब तक का सबसे हाई स्पेक्स वाला गेम है, तो इसमें आप उतने लो एंड स्पेक्स पे नहीं खेल सकते। यहाँ पर मैं आपको एक लो एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ साइबरपंक का, जिसमें कि आप अच्छे FPS पे खेल सकते हो। यहाँ पर आप ग्राफिक्स को ब्लर करके खेलने का कोई फायदा नहीं है, गेम का आपको मजा नहीं आएगा एंड गेम का आप लुफ्त नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लूँ, यहाँ पर आपके पास 200 रैम 6GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम 2GB मिनिमम आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए ग्राफिक कार्ड। एंड प्रोसेसर की बात करें तो राइजन 3 या इंटेल i3 में आपका गेम आराम से चल जाएगा, अगर एक कॉन्फिग फाइल यूज़ करते हो तो। एंड स्पेस की बात करें तो मिनिमम 66GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर आप अपने सभी ड्राइवर्स को अप टू डेट रखें, तभी जाके जो आपका एरर है वो फिक्स हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं लिंक दे दिया हूँ, प्लीज़ रीडमी फाइल को एक बार आप ओपन करके रीड कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लीन फाइल पर जाना है एंड आपको कैशे को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है। एंड वेल गाइस, ये कुछ टाइम लेगा, आपके जितने भी कैश या टेम्प फाइल ये सबको डिलीट कर रहा है। इस प्रोसीजर को होने में भी आपका 10 से 15 सेकंड ले सकता है, तो चलिए इसे हो कंप्लीट होने देते हैं। हमारा जितने भी कैश फाइल है वो क्लियर हो चुके हैं, अब हम जंक फाइल को डिलीट करेंगे। सिंपली आपको जंक फाइल में सिंपली वही करना है, आपको जंक फाइल में आना है, यहाँ पर आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जितने भी आपके जंक फाइल रहेंगे वो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं कन्फिग में। सिंपली आपको कन्फिग को ओपन करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर आपको फाइल्स दिख रहे हैं, ये वाले फाइल्स, सिंपली आपको इन सबको कॉपी करना है। एंड दोस्तों, अब आपको गेम के फोल्डर पे जाना है, ठीक है, जो गेम का मेन गेम डायरेक्टरी है। यहाँ पर आपको एक इंजन करके दिखेगा, इंजन में जाना है एंड कॉन्फिग के अंदर जाना है। कॉन्फिग के अंदर के जाने के बाद जितने भी आपने फाइल्स को कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो, और रिप्लेस मांगेगा तो रिप्लेस कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं लो एंड पीसी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली हमारा सेकंड काम भी कंप्लीट होता है, अब हम फिर से चलते हैं कॉन्फिग फाइल में। यहाँ पर ये थर्ड वाले स्टेप है CPU, तो CPU को हम सिंपली ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आपको दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे, पहला है टाइमर रेजोल्यूशन एंड
जो हमारा दूसरा है अनपार्क सीपीयू, ठीक है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे एंड इसे भी हम मिनिमाइज कर देंगे। सिंपली आपको सेकंड वाले को अनपार्क सीपीयू को ओपन करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसे ओपन करना है आपको। आपको इसे अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जब तक आप गेम खेल रहे हो तब तक इसे आप अल्ट्रा परफॉर्मेंस में आप इसे कर लेना, ठीक है। तो सिंपली हम इसे मिनिमाइज करते हैं एंड जैसे ही आप गेम खेल लो सिंपली आप इसे बैलेंस पे क्लिक कर लेना, बैलेंस पे करके इसे आप अप्लाई कर लेना। क्योंकि बेसिकली दोस्तों ये क्या करता है, आपकी सीपीयू का जो परफॉर्मेंस रहता है वो आपका 40-50% और इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको गेम खेलने में, गेम में जो आपको लैगनेस मिलता है वो यहाँ पर दूर हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली बैक चलते हैं, आपको FPS ऑप्टिमाइज बूस्ट दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस फोल्डर पे जाना है एंड वन बाई वन करके आपको सभी को डबल टैप डबल क्लिक करना है, यस करना है, यस करना है। सिंपली आपको सेकंड वाले गेम ऑप्टिमाइज में डबल टैप करना है, यस करना है और यस करना है। सिंपली हम पावर ऑप्टिमाइज में कर लेते हैं, यस करना है, यस करना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हम बैक चलते हैं और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी जो है हमारा कन्फिग हमने इंस्टॉल कर लिया एंड जितने भी हमें सेटिंग करने थे कर लिए, बट यहाँ पर अपने को और भी सेटिंग्स करने, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको क्लिक करके इसे अप्लाई में क्लिक कर लेना है। हम इसे यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सो वेल गाइस, यहाँ पर आपको सर्च करना है टर्न ऑन द गेम मोड। तो इसको बेसिकली यहाँ पर अगर बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो सिंपली आप इसे ऑन कर लें। तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स कंप्लीट होता है। अब क्या करना है हम लोग को, जो हमने टाइमर रेजोल्यूशन को ऑन किया था सिंपली उसमें जाना है एंड इसे मैक्सिमम पे कर लेना है। एंड जैसे ही आप गेम खेल लो एंड गेम जैसे ही आप गेम को खेल लो एंड क्लोज कर लो सिंपली आप इसे डिफॉल्ट पे कर लेना। अभी मैं इसे मैक्सिमम में करता हूँ, हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट होता है। अब चलिए हम गेम को ओपन करके देखते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफिक्स अपने को देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, वो बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ पर आप बोलोगे भाई तुम यहाँ पर विंडोज स्क्रीन पे क्यों खेल रहे हो, तो गाइस देखो यहाँ पर अपने को जो जितना हो सके अपने को बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए एंड यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी उतना डल नहीं मिलता दोस्तों, मतलब आप प्लेबल हो, मतलब उतना भी ग्राफिक्स डल नहीं है। बिना किसी एरर के, बिना किसी लैग के आप पे साइबरपंक 2077 आपके लो एंड पीसी पे चल सकता है। यहाँ पर मैंने 4GB, अब मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने इसे 4GB रैम में चेक किया है दोस्तों, बट 4GB रैम में मेरे को 19-20 FPS मिल रहा है जो कि प्लेबल नहीं है, आप खेल नहीं सकते उसमें। और यार देखो ज़्यादा ग्राफिक्स डल करने से क्या होता है कि यार गेम खेलने का मज़ा नहीं। अब जैसे कि देख सकते हैं प्लेबल ग्राफिक्स से उतना भी डल नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट आप खेल सकते हो उतने ग्राफिक्स के साथ। सो वेल गाइस, बस आज के वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो साइबरपंक लैग फेस करें या कुछ एरर फेस करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।